मानसून का सीजन खत्म होते ही कई ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, खासकर सीजनल बुखार, वायरल फीवर। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है डेंगू, जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दिनों डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तो डेंगू ने पिछले साल का रिकॉर्ड तक तोड़ डाला है। एमसीडी के मुताबिक इस साल 12 अक्टूबर तक डेंगू के 1572 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू का कहर दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों जैसे बिहार और यूपी में भी फैल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट किया है। अब सवाल है कि डेंगू से कैसे बचा जाए, इसके क्या लक्षण होते हैं। दरअसल डेंगू के लक्षण 3 से 14 दिन के बीच दिखते हैं। शुरुआत में वायरल की तरह ही लक्षण दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी अपना असर दिखाना शुरू करती है वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जाती हैं। डेंगू में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टियां, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होने लगता है। स्किन में भी रेशेज आने लगते हैं। डेंगू में मरीज को बहुत ज्यादा दर्द से जूझना पड़ता है। डेंगू के शुरुआती लक्षण देखने के बाद बुखार तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि जैसे ही ये लक्षण दिखाई दे डॉक्टर से फौरन सलाह लें। डेंगू फीवर 3 तरह के होते हैं, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन तीनों में सबसे ज्यादा खराब हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक है। इन दो तरह के डेंगू से ग्रस्त मरीजों को अगर जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया तो उसकी मौत तक हो सकती है। देश के कई राज्य मच्छरों के आतंक से त्रस्त हैं, लेकिन अभी तक डेंगू का कोई ठोस इलाज सामने नहीं आया है। डेंगू से बचने के लिए बचाव ही एकमात्र तरीका है। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव होता है। हमारे घरों में भी कई जगह जैसे कूलर, गमले, खाली बर्तन आदि इनमें पानी जमा होता है जो मच्छरों का घर बन जाता है। मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये मच्छर इंसान को दिन के समय काटते हैं। ध्यान रहे कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। ऐसे में अपने आसपास पानी कभी भी जमा ना होने दें। डेंगू फैलाने वाले मच्छर सबसे ज्यादा दोपहर के समय काटते हैं, खास तौर से सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 1 घंटे पहले। हालांकि रात के समय भी डेंगू के मच्छर एक्टिव रहते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां अच्छी रोशनी होती है। डेंगू के मच्छरों के काटने का खतरा ऑफिस, मॉल, इंडोर ऑडिटोरियम और स्टेडियम के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि यहां हर समय आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल होता है और प्राकृतिक रोशनी नहीं आ पाती। भारत में बहुत जल्द इसकी वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। डेंगू की वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल को हरी झंडी मिल चुकी है। देश की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी द इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड यानी IIL को डेंगू के टीके के पहले चरण के परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है।